हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट सेक्टर 42 बी अटावा चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। और आज हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे नैनी कोर्स के बारे। आपको ये बता दूं कि नैनी के थ्रू नैनी प्रोग्राम और नर्सिस के लिए नैनी प्रोग्राम, LMIA, वीज़ा कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है, इसके बारे में हमने अपने पहले भी कई वीडियो अपने YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इसमें हम लोग आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, सिर्फ दो ज़रूरी बातें हैं जिसके बारे में आजकल हमें फ़ोन आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमें काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं जी कि हमें ऑलरेडी विजिटर वीज़ा लगा हुआ है, तो हम लोग अगर वहाँ जाकर नैनी के बेस पर कुछ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वीज़ा कैसे लगेगा। तो उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी विजिटर वीज़ा लगा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि नैनी के बेस पर आप अपना विजिटर वीज़ा कन्वर्ट करवाएं वर्क परमिट में, तो उसके लिए प्रोसीजर वही रहेगा। प्रोसीजर मीन्स आपको कनाडा के किसी एम्प्लॉयर से LMIA नाम का लेटर इशू करवाना पड़ेगा। LMIA इशू अगर हो जाता है और मान लो कि आप कनाडा में ही हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना वीज़ा जो है, जो विजिटर वीज़ा है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में नैनी के वीज़ा पर। प्रोसीजर सेम रहेगा, आपको अप्लाई करना होगा, आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आपने वीज़ा फीस को सेटिस्फाई किया कि आप एक ट्रेंड नर्स नैनी हैं, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है, आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन ठीक है, तभी आपका वीज़ा विजिटर वीज़ा से वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा, नैनी वीज़ा में कन्वर्ट होगा। उसमें कोई लिहाज नहीं होगा, बस एक ही अच्छी बात होगी कि आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, आपने वहीं पर अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू वहीं पर ही 3-4 दिन के अंदर ही हो जाता है, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा वर्क परमिट में। फिर आप वहाँ पर एज ए केयर गिवर या एज ए नैनी काम कर सकते हैं, और अगर आपके हस्बैंड और बच्चे साथ गए हुए हैं, वो भी जब आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा तो वो भी अपना स्पाउस वीज़ा और स्टडी वीज़ा या इंडिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो टर्म कंडीशन उस समय होती हैं उसके लिए उनको पूरा करना होगा। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जो हमारा स्पाउस है उसको भी आइलेट्स करने की ज़रूरत है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बता दें कि जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं उनकी किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी किया हो, मैट्रिक हो, BA हो, ग्रेजुएट हो, आइलेट्स किया हो ना किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो बच्चों का डिपेंडेंट वीज़ा लगेगा या उनका स्टडी वीज़ा लगेगा, वो उनकी उम्र के ऊपर और उनके बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लगेगा। तो इसलिए हम लोग बार बार आपको कह रहे हैं कि ये इतना इजी नहीं है कि आपको विजिटर वीज़ा लगे और आप नैनी के सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लें और वहाँ पहुँच जाएँ और ये सोचें कि हमारा वीज़ा 100% है, ऐसा होगा नहीं। तो एक तो ये बात आपसे करनी थी। दूसरी बात, कुछ लोग हमें आजकल फ़ोन कर रहे हैं कि जो अखबारों में खबर लगी है या हम लोग नेट पर देख रहे हैं, वहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन 2750 हो जाएगी और नंबर दो 20 मार्च से लेकर 4 जून तक ही एप्लीकेशन ली जाएगी। तो वो बात हम आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दें, ये जो 20 मार्च से लेकर 4 जून तक का जो टाइम दिया गया है, ये उन लोगों के लिए है, उन नैनीज के लिए है जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो वहाँ पहुँच चुकी हैं और जिन्होंने PR अप्लाई करना है। उनको कनाडा गवर्नमेंट ने स्पेशल फैसिलिटी दी है कि अगर आपके पास 2 साल की बजाय 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप बाकी सारी टर्म कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो आप 20 मार्च से लेकर अगर 4 जून के अंदर अंदर PR के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको PR दे सकते हैं। तो ये उनके लिए कंडीशन है। जो नए रूल 2019 आए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सेपरेट इशू है। और जो 2750 एप्लीकेशन की बात थी कि बच्चों की कैटेगरी के 2750 एप्लीकेशन PR की लग होंगी और एल्डरली पर्सन और बीमार जो डिसेबल्ड लोगों की लग होंगी, वो शर्तें नई जो रूल्स हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगी। मीन्स उसमें ये शर्त नहीं होगी कि हर साल कितने लोग PR के लिए अप्लाई करेंगे, जितने भी लोग एलिजिबल होंगे वो PR अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी बताया है कि अब नए स्कीम के मुताबिक, नए रूल्स के मुताबिक,
नैनी का हस्बैंड या स्पाउस और उनके बच्चे पहले दिन से साथ जा सकते हैं और उनको भी वहाँ पर स्पाउस वीज़ा को वर्क परमिट मिल जाएगा, ओपन वर्क परमिट, बच्चों को स्टडी वीज़ा या इंडिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा। और जब पीआर होगी, जिन लोगों ने जो नए रूल के मुताबिक जो स्पाउस वीज़ा या इंडिपेंडेंट वीज़ा इकट्ठे जाएंगे, उनको जब पीआर मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सारी फैमिली को मिलेगी। लेकिन हम दोबारा बताना चाहते हैं आपको कि वीज़ा इतनी आसानी से नहीं लगता है। वीज़ा कैसे लगता है, आपको प्रॉपर स्टडी करनी होगी, आपको LMIA लेना होगा, प्रॉपर तरीके से LMIA लेना होगा। आइलेट्स की जैसे हम पहले बता चुके हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने 5.5 बैंड तक GT या अकेडमिक में, इवन अगर आपने PTE किया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इंटरव्यू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो पहले हम आपको नहीं दे पाए पहले वीडियोस में। और अगर आप चाहते हैं और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन गेन करना कि ये नैनी कोर्स होता क्या है, इसके सर्टिफिकेट कहाँ से आते हैं, वैलिडिटी कैसे होती है, वीज़ा कैसे लगता है, LMIA कैसे लेना है, और वीज़ा जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, फिर वीज़ा कैसे लगता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और जो पहले हमने पिछले 1-2 महीने में कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उनको गौर से सुनिए, देखिए, पॉइंट नोट करिए। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर नहीं हुई, तो आप हमें जो इस पर स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हो, जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो। और हम लोग और भी लोगों के बच्चों के वीडियो डालते रहते हैं जिनको वीज़े लगे हैं। अभी भी हमारे बड़ी जल्दी कुछ और नए जो वीज़ाज हैं वो अप्रूव हुए हैं, जैसे ही उन बच्चों का वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट हमारे पास आता है, फिर हम आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि उनका इंटरव्यू कैसे हुआ और उनका वीज़ा कैसे लगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको दोबारा कहते हैं कि आप हमारे फेसबुक जो पेज है नेशनल इंस्टीट्यूट का, उसको लाइक करिए, और नेशनल इंस्टीट्यूट का जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे कोई और इन्फॉर्मेशन लेकर आपको, तब तक के लिए नमस्कार।